देख लीजिए दोस्तों, जो कि मुझे यहाँ से Vivo V27 Pro जो कि दोस्तों ये फ़ोन मिलता है दोस्तों, इसके अंदर आ चुका है न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर करने के लिए आप इस वीडियो को पढ़ना सही तरीका, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को क्लिक जो से कर देना। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि 1514 भी चल रहा है और ये Vivo V27 Pro है। तो दोस्तों इसको अपडेट करने के लिए आपको करना कुछ को सिंपल, यहाँ से आपको चले जाना अपनी सेटिंग में, जिसमें यहाँ देख लीजिए मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ। सेटिंग करने बाद यहाँ से आपको जाना सॉफ्टवेयर अपडेट पे। जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट क्लिक करेंगे यहाँ देख लीजिए 1514 मिलेगा, और ऊपर साइड आपको क्लिक करना जो कि सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ जाना है। इसके बाद आपको जाना ट्रायल जो कि वर्जन है वहाँ जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि न्यू वर्जन ट्रायल, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एक अपडेट मिलेगा जो कि 600 MB का ये अपडेट मिल जाएगा। और देख लीजिए इसके अंदर जो कि आपको स्टेटस बार में हुआ है, चेंज ब्लूटूथ में हुआ है, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल में जो अटक रहा था उसमें जो चेंज हुआ है, बाकी जो ब्लूटूथ में जो छोटे मोटे बग उसको फिक्स किया गया है। बाकी इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे कि हमारा ये 5G चल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा तेज़ होगा डाउनलोड, जैसे आप देख लीजिए जो कि बहुत तेज़ हो रहा है। आपके यहाँ जो नेटवर्क होगा उस हिसाब से आपका डाउनलोड होगा, और आप अपनी फ़ोन की बैटरी को 50% प्लस चार्ज करके रखिएगा। बाकी देखिए हमारा ये डाउनलोड हो रहा है, जो कि इसमें जो कि बग वग थे उस बग को फिक्स किया गया, और अप्रैल मंथ का इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर फ़ोन आपका ओपन होगा। देखिए जैसे कि हमारा बंद होकर ओपन हो रहा है, तब तक आप इंस्टाग्राम ट्विटर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट बताइएगा वो किस फ़ोन पर लेकर कौन सा वीडियो देखना पसंद है, जैसे कि मैं उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो ना करना को जल्द से ले लूँ। दोस्तों एक उत्साह वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक शेयर इन चैनल को सब्सक्राइब करके और फीसना। और दोस्तों आज हमारा वीडियो रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।